बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं कवल सज्जाद, लेकर आती हूं आप लोग के लिए एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे ब्यूटिशियन कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जिसमें आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट कोर्स सीख रहे हैं। ओके, तो चलिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पिछली वीडियो में, मतलब हमने पहले एक वीडियो में, किसी भी वीडियो में ये सीखा था कि हम डर्माकॉस का एक नॉर्मल था ब्लीच किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि डर्माकॉस के इस ब्लीच के साथ हमको अगर फेस पॉलिश बनाना है तो हम क्या चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए, अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी ये दो चीजें, ये देखिए, ये दो चीजें, ठीक है। आप इसको कैसे ऐड करना है, किस तरह से करना है, ये तो आप आगे प्रैक्टिकल में देखोगे। और आप लोगों को मैं इसकी प्रीवियसली प्राइस बता चुकी हूँ कि ये मुझे 700 का पड़ा था, ठीक है, 700 थे, आई थिंक 750 थे, इतने का ही पड़ा था। अच्छा, ये मुझे जो पड़ा था, ये मुझे पड़ा था 300 या 350 का या 250 का, आई थिंक 250 से 350 के बीच था, और ये मुझे 150 या 200 का पड़ा था, ठीक है, वाइटामिन का कैप्सूल। अच्छा, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना, तो ये कैप्सूल मुझे इस बॉक्स के अंदर 100 कैप्सूल आते तो 3 या 3.5 रुपए का पड़ता है, और ये मुझे पड़ता है 2 या 1.5 रुपए का, सही है। लेकिन अगर आप लोग का कोई बड़े लेवल पे सलून नहीं है या इवन आप रनिंग काम भी नहीं कर रहे हो, तो मार्केट में आपको ये लूज मिल जाती है, ये 10 रुपए का मिलता है या ये 10 रुपए का, इसी तरह मिलता है, 20-25 रुपए का आप लोग को ये मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग इस प्रोडक्ट में, मतलब अपने डर्माकॉस के इन प्रोडक्ट्स में ये चीजें ऐड कर लेते हो, तो ये बहुत अच्छा एक अलग सा ग्लोई सा व्हाइटनिंग और एक्स्ट्रा इफेक्ट दे रहा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फेस पॉलिश। ओके, बस इतना सा ही होता है, और ये चीजें ऐड होती है और ये बन जाती है फेस पॉलिश। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। बस अब हम इसको देखेंगे, और हम जितना अपना पिछला प्रोडक्ट बनाया था ना, उसमें बस एक एक कैप्सूल इसको ऐड करना होता है। ओके, चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं, और फिर आखिर में पूछूंगी मैं आप लोगों से सवाल जवाब, ठीक है, तो उसका जवाब जरूर देना है। और पैसे आप लोग को डिवाइड कर लिया करो, मैं जैसे अपने वाले पिछले वाले का मैंने आपको बताया था ना, 250 लेती हूँ या 200, 225, 250 मेरे यही चार्ज होते हैं। और अगर मैं ये ऐड करती हूँ तो 250 से 300 के बीच चार्ज कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही चीजें ऐड हो रही होती है ना, तो मेरा कोई पैसा ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये दो चीजें ऐड की तो मैं 250 से 500 कर दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं इन्हीं का ऐड कर रही होती हूँ मेरे ऐसे ही रेट से, बाकी आप लोग को जो रेट्स रखने आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। चलो जी, प्रैक्टिकल देखते हैं। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बस सूथिंग लोशन का बताना भूल गई थी, वो भी आप लोग ऐड कर लिया करें अपनी हर प्रोडक्ट में, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून जो लेंगे वो ये पाउडर लेंगे, ब्लॉन्डर पाउडर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 टीस्पून आप लोग इसका ये डेवलपर लोगे, इसको कुछ और कहा जाता है बट काम तो ये डेवलपर का ही कर रहा होता है, तो आप 1 टीस्पून वो लोगे, सेम जो हमारा प्रीवियस ब्लीच का रेशो था ना, 1/2 टीस्पून पाउडर और 1 टीस्पून डेवलपर। अच्छा, इसके बाद ये जो है डर्माकॉस का जो ये जेल है, ये बहुत ऑसम जेल हो, मैं इसे अपने बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, एक और बात बता दूँ, अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसकी स्किन बहुत ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो फिर आप क्या करोगे कि उसके फेस पे आप ये कैप्सूल नहीं लगाओगे, मतलब आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून तक वाइटनिंग पाउडर डाल दोगे, ठीक है, सॉफ्ट टच वालों का, और दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स का वाइटनिंग पाउडर भी अवेलेबल होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है। तो आप अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप वाइटनिंग पाउडर ऐड कर दोगे, और अगर किसी की स्किन ड्राई है, मतलब ड्राई या नॉर्मल है, नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन है, तो फिर आप लोग ये कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। ओके, और अगर क्लाइंट की स्किन बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव आ रही है तो फिर सूथिंग लोशन भी आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून तक ऐड कर दिया करो, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू स्किन, स्किन वेरी कर रहा होता है कि आप किस तरह से काम करो। मैं तो काफ़ी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बता दूँ कि आप लोग इस स्किन पे ये डालो वो डालो, बाकी क्लाइंट आपके पास आता है तो आप लोग पहले स्किन को स्टडी किया करो, ठीक है। अगर ड्राई स्किन आ रही है तो आप वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करोगे क्योंकि वो ऑयल फॉर्म में होता है, अगर ऑयली स्किन आ रही है तो आप वाइटनिंग पाउडर यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा एक्ने आ रही है तो फिर आप लोग सूथिंग लोशन एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ऐड कर लोगे, ठीक है। इस तरह से या फिर पहले सूथिंग लोशन की लेयर बना दो और फिर प्रोडक्ट लगा लो। मेरी क्लाइंट की जो स्किन थी वो नॉर्मल थी तो मैंने वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ किया, अगर इनकी ऑयली होती तो मैं पाउडर यूज़ कर लेती, ठीक है। अच्छा, इसको लगा के ऑलमोस्ट हम लोग है ना 20-25 मिनट तक छोड़ देंगे, ठीक है, अच्छी तरह से अप्लाई करेगी। और अप्लाई करने का तरीका मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। और इसके बाद आप लोग इसको सादे पानी से, मतलब सादे पानी से हम लोग स्पंज के जरिए इसको रिंस आउट कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करके इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट तक हमको छोड़ना है, और फिर इसको जब उसका रिजल्ट आ जाए तो हमें सादे पानी से इसको टैप टैप करके, जिस तरह हम करते हैं ना उस तरह से, आप लोग इसको आराम से रिंस कर लिया करो, ठीक है, साफ़ कर लिया करो। और अगर स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाए
तो फिर आप क्या करोगे कि ना सूथिंग लोशन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लेकिन कोशिश क्या करो कि सूथिंग लोशन की जो लेयर है ना आप वो पहले ही लगा लिया करो ताकि रैशेस वैशेस का हो ही ना। बट फिर भी किसी की स्किन बहुत एक्स्ट्रा होती है तो आ जाते, तो इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। एक तो आप सूथिंग लोशन लगा सकते हो, दूसरा मैंने एक चीनी के पानी वाली टिप बताई हुई कि चीनी का पानी बनाओ, जो मेहंदी में हम नहीं बनाते, वो बना के क्लाइंट के फेस पर लगा के 10-15 मिनट छोड़ दो, क्लाइंट का फेस एकदम मस्त सेट हो जाता है। ओके, और ठंडे पानी से जो फ्रिज वाला पानी उससे वॉश करा लो 2-3 बार। ओके अच्छा जी, तो आज का पहला सवाल है, मुझे ये बताओ कि हम लोग अगर किसी क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो मैं क्या यूज करूंगी इसकी जगह, व्हाइटनिंग कैप्सूल की जगह मैं क्या यूज करूंगी अगर स्किन ड्राई है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। और दूसरा ये कि अगर मुझे डर्माकॉस के ब्लीच को फेस पॉलिश में कन्वर्ट करना है तो मैं किन दो चीजों का यूज करूंगी। ठीक है, बस ये दो ही सवाल है। एक तो ये सवाल है कि अगर मुझे डर्माकॉस की ब्लीच को फेस पॉलिश में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या दो चीजें ऐड की, और दूसरा सवाल ये कि अगर मुझे ड्राई स्किन पे यूज करना है तो मैं व्हाइटनिंग कैप्सूल यूज करूंगी या व्हाइटनिंग पाउडर यूज करूंगी। ये आप लोग मुझे दो सवालों के जवाब जल्दी से आ जाओ मेरे व्हाट्सएप पे दे दो और अपनी अटेंडेंस मार्क करा लो। ठीक हो, ठीक है, और प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए जी, टाटा बाय बाय।